हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का सैम्पल पेपर, सेकंड सैम्पल पेपर, कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वो ही रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, 10 मार्क्स का है। देन आइडेंटिफिकेशन 15 मार्क्स का रहेगा। एंड देन लास्ट जो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, वो भी 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो है वन आवर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको आंसर देने हैं। वो अब पेन पेपर भी हो सकता है या फिर एमसीक्यू भी हो सकता है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड रिपोर्ट। अब आपको ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। इट इज़ अ, ये क्या है, एक हैंडलूम है, मीन्स जो है वो अपने हाथों से वो चीज़ या कपड़े वगैरह जो भी बनाते हैं वो। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू थ्रेड अपियर इन डिफरेंट कलर, द थ्रेड्स आर। अब इन थ्रेड्स को क्या बोलते हैं, ये क्या है, इनको डाई किया गया है। अदरवाइज सारा कलर जो है वाइट होता है, लेकिन डाई करके जो है अलग अलग कलर के थ्रेड बनाए जाते हैं। नाउ इट इज़ अ डैश। अब ये जो है कौन सी करेंसी है, 100 रुपीज़ की है। दिस करेंसी इज़ फ्रॉम डैश कंट्री, सो कौन सी कंट्री से है, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। नाउ दिस इज़ डैश। अब ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है, दैट इज़ प्रिज्म। इट्स स्कैटर वाइट लाइट इन टू अ कलर्स। अब इसके अंदर से अगर आप वाइट लाइट पास करते हो तो ये डिफरेंट कलर में जो है उसे लाइट्स में, डिफरेंट कलर्स की लाइट में उसको प्रोड्यूस करती है, आगे जो है फॉरवर्ड करती है। सो वो कितने कलर्स हैं, सो इट विल इन 7 कलर्स। वो वाइट कलर को जो है 7 कलर्स में आगे प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट, सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन एज सी कुड नॉट। अब वो क्या नहीं कर सकती, वो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, सी कुड नॉट वॉक। सी यूजेज अ डैश, वो क्या यूज़ कर रही है, सी इज़ यूजिंग अ व्हील चेयर। अगर उसे कहीं भी इधर से उधर जाना है तो उसे जो है व्हीलचेयर का यूज़ करना पड़ता है, उसके बिना वो इधर उधर नहीं जा सकती। डैश लुक लाइक अ नेल। अब ये जो है एक नेल की तरह दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ अ डैश। अब वो क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लो लुक लाइक अ नेल, बट एक्चुअली इट इज़ अ बट। नाउ नेक्स्ट, एवरीबडी टच इज नोट, क्या है एवरीबडी टच, क्या है नोट, सेम रूल्स, या फिर एवरीबडी टच कांट बी लाइक द सेम, वो सेम नहीं हो सकते। हर एक के जो है टच सेम होते हैं, कुछ गुड टच होते हैं, कुछ बैड टच होते हैं, तो वो सेम नहीं हो सकते कभी भी। हाउ आर दिस वेजिटेबल्स सिमिलर। अब ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं सिमिलर कैसे हैं, इनको आप कैसे बोल सकते हो, बिकॉज दीज आर द रूट वेजिटेबल्स। इन ये कौन सी हैं, सब रूट वेजिटेबल्स हैं। रूट वेजिटेबल्स मीन्स जो धरती के, मतलब जो अर्थ है उसके नीचे से आप निकालते हो, मिट्टी के अंदर जो उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट वेजिटेबल्स। एंड दे आर एंड हैव डैश। अब इनके अंदर क्या होता है या नहीं होता, दे हैव नो सीड्स। अब इनमें किसी में भी कोई भी सीड नहीं होता है। आप गाजर ले सकते हो, मूली एंड पटैटो, इनमें जो है कभी भी, स्वीट पटैटो एंड पटैटो, इनमें जो है बीज नहीं होता, सीड नहीं होता है। और डैश, दिस इज़ डैश एंड पीपल ऑफ डैश मेक दिस यूजिंग स्ट्रो ग्रास बैम्बू टू सेलिब्रेट बिहू फेस्टिवल। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दैट इज बेला घर, बेला घर। और ये कहाँ पर जो है बनाया जाता है, बेला घर, बेला घर जो है असम में बनाया जाता है। कब, जब जो है वहाँ पर बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो टाइम पर। What do you think? अब आपको क्या लग रहा है कि ये किसने किया, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये किसने किया, सो वो किसने किया है। अब दो बच्चे वहाँ पर खड़े हैं तो ये किसने किया है। एंड डैश ऑलवेज इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और कौन सी पॉलिसी है जो हमेशा बेस्ट होती है, एंड डैश इज ऑनेस्टी। सो इसमें से आपको जो लगता है कि जिसने किया है, आप उनका किसी का भी नाम लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, सम बर्ड्स हैव दिस टाइप ऑफ लेग्स टू। अब ये लेग्स जो है किसके काम आती हैं, सो ये किसके लिए काम आती है, स्विमिंग के, स्विम के लिए वो काम आती है। वहाँ पर, यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पिक्चर्स को, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये क्या है आपका, ब्लैक पेपर है। एंड देन ये क्या काम आता है वो आपको बताना है। सो ये क्या है, एक तरह से स्पाइस है, तो आप सिर्फ स्पाइस लिख सकते हो। देन ये ऐसे लोग या फिर ये जो हैं आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, सो ये आपको आबू धाबी में देखने के लिए मिलेंगे। इन्होंने ये वाइट कलर के कपड़े या कॉटन के कपड़े सर पे भी बांध रखा है और पहन भी रखा है, क्यों,
सो ये किस लिए रखते हैं? टू कीप कूल, टू कीप देमसेल्स कूल, अपने आप को जो है ठंडक देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत गर्मी रहती है, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो गर्मी को, मतलब जो पसीना आता है उसको अंदर ही सोख लेते हैं, सो उसकी वजह से वो थोड़े सही रहते हैं गर्मियों के टाइम पर खासकर। नाउ ये कौन है? ये है गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव। एंड ये कौन थे? ये सिख गुरु थे। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या कर रहे हैं? ये जो है बीज बो रहे हैं, यानी कि सोइंग द सीड्स, सोइंग सीड्स। अब ये किसी के हो सकते हैं? अब इसमें आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? ये देखो, हर एक बीज जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी कि सब एक दो चार बीज यहाँ पर है, उसके बाद थोड़े आगे डाल दिए, हर एक जो है एक डिस्टेंस है, ठीक है? एक उनका जो है रेगुलर जो फिक्स डिस्टेंस है वो वहाँ पर लिया गया है इस पिक्चर में। मीन्स आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको पिक्चर से देखना है कि आपको क्या पता चल रहा है, वही आपको आंसर दे देना है। अब ये क्या है? नीचे आपको क्रो दिखाई दे रहा है, सो ये क्या है? क्रो का नेस्ट है, या फिर बर्ड का भी बोल सकते हो अगर क्रो नहीं है। और ये किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, सो आप वुड लिख सकते हो, या फिर जो बाकी की चीज़ें होती हैं, लीव्स हो गए, उन सब का यूज़ करके ये बनाया गया है। नाउ कंप्लीट द टेबल। अब आपको ये जो है टेबल कंप्लीट करनी है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं वेजिटेबल्स की, और यहाँ पर भी क्या है वेजिटेबल्स के लिखे हुए हैं। अब आपको जो है वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। वन लीफी वेजिटेबल, सो वो कौन सी होती है? कैबेज। देन वन रूट वेजिटेबल कौन सी हो जाएगी? कैरेट। वन वेजिटेबल विच इज़ फ्रूट ऑफ द प्लांट, जो फ्रूट होता है प्लांट का, तो वो कौन सा हो जाएगा? टोमेटो। अब देखो ये एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, तो जो भी आपको एक याद आए वो आप यहाँ पर बता सकते हो। एंड वन फ्लावर वेजिटेबल, वो क्या होती है आपकी? कॉलीफ्लावर, उसके नाम में ही फ्लावर है, सो कॉलीफ्लावर इज द फ्लावर वेजिटेबल। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डिफरेंस कैन वन फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? अब देखो यहाँ पर दो पिक्चर्स दी गई हैं, ये पब्लिक टैप है और ये जो है गांव में लोग पानी लेकर आ रही हैं औरतें, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखो, सबसे पहले तो उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एंड देन क्या होता है कि वहाँ पर एक ही टैप होती है, ओनली सिंगल टैप टैप जो है वहाँ पर होती है, वन टैप या सिंगल टैप आप बोल सकते हो। देन जो है वहाँ पर बहुत बार लड़ाई भी हो जाती है पानी को लेकर, कि पहले मैं भरूँगी या पहले मैं भरूँगा, क्वारल टू गेट वाटर। देन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर किसी की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि जो आपने लेसन पढ़ा होगा नंदिता वाला, उसमें क्या होता है, वो रिवर पे जाते हैं पानी भरने के लिए, एंड देन जो है, और अगर आप रिवर पे जा रहे हो तो आप पे आपको बहुत सारा पानी मिल जाएगा, सो यू कैन गेट इनफ वाटर, और वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, खासकर पानी के लिए तो बिल्कुल नहीं, नो क्वारल फॉर वाटर। तो ये जो है डिफरेंस रहता है गांव में, और अगर पब्लिक टैप से आप पानी ले रहे हो तो उसमें। नाउ इन द टेबल बिलो सम आइटम आर लिस्टेड, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं। विच ड्रिंक इज़ मेड विद इट टू हेल्प अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग? अगर कोई इंसान है जिसे डायरिया और वोमिटिंग हुआ है, सो इससे हम जो है कौन सी जो है एक ड्रिंक बना सकते हैं जो उसकी हेल्प करेगी? सो वन टी स्पून शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट, वन ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। सो इससे क्या बनता है आपका? ORS। अब ये ORS क्या होता है? ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखो अब इससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, अगर बार बार डायरिया या फिर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, उससे पानी जो है आपकी बॉडी में बहुत कम हो जाता है, सो उसके लिए ये ड्रिंक दी जाती है। वट टाइप ऑफ फूड कैन बी गिवन टू सच पर्सन? अब ऐसा कोई इंसान है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको किस टाइप का जो है खाना दिया जाना चाहिए? तो लाइट फूड, यानी कि ज़्यादा हैवी खाना, जैसे जो भी हैवी हैवी चीज़ें होती है खाने में, ज़्यादा घी वगैरह या छाछ दूध वो सब नहीं देना चाहिए, जैसे दाल हो गया, खिचड़ी हो गई, चावल हो गई, ये सब चीज़ें उन्हें देनी चाहिए। अब दो सो अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द बोल इन स्कूल, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द प्लांट, सो ये कौन सा प्लांट है? पीपल का है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो बताना है। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर? अब जो है रूट्स को वाटर कैसे मिलेगा?
देखो जो दीवार होती है उसमें भी कई बार मॉइस्चर चला जाता है, सो वहीं से वो जो है वो मॉइस्चर को लेंगे और जो है उसकी रूट्स को पानी मिल जाएगा। मॉइस्चर फ्रॉम वेट वॉल्स, वेट वॉल्स। नेक्स्ट है हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। अब ये प्लांट जो है कितना ग्रो हो सकता है, सो बहुत बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि जब तक इसे पानी मिलता रहे और इसे ना काटा जाए। वट विल हैपन टू द वॉल, अब वॉल के साथ क्या होगा, सो इट मे ब्रेक, वॉल मे ब्रेक, वो टूट सकती है। अगर वॉल ये जो पेड़ है इसी तरह बढ़ता रहा तो आपकी जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। नाउ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डैश डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, कौन सी है जो अपना नेस्ट नहीं बनाते, कौन सा बर्ड है वो, इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट, क्रो के नेस्ट में वो अपना ही रखती हैं, सो वो कौन है, कोयल। कोयल जो है कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती। कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज गोल्ड, गुरुद्वारे में जो है खाते हैं सब एक साथ बनाते और खाना खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड लंगर। डैश मील इज एवरी चाइल्ड्स राइट, सो वो कौन सा होता है, मिड डे मील। मिड डे मील जो है हर एक चाइल्ड का राइट होता है। मिड डे मीन्स हाफ डे में जो खाना मिलता है स्कूल की तरफ से। द यूटेंसिल वर वास्ड बाई द पीपल हु डैश द फूड एट द गुरुद्वारा, अब जो है जो यूटेंसिल्स होते हैं, आपने जैसे खाना खा लिया तो वो खाने के बाद में वो बर्तन कौन धोएगा, तो कौन धोता है, जिसने खाना खाया वो ही उन बर्तनों को वहाँ पर धोते हैं गुरुद्वारे में। द मनी यूज इन आबू धाबी इज कोल्ड, सो आबू धाबी में जो मनी यूज़ की जाती है उसे क्या बोला जाता है, धीरम। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, राइट टू नेम ऑफ सॉरी राइट नेम ऑफ टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, सो कौन से दो ट्रेडिशनल हैं हमारी कंट्री के, सो एक तो है पोट्री एंड टॉय मेकिंग, ये दो जो हैं ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आप बोल सकते हो हमारी कंट्री के हैं। राइट नेम ऑफ टू स्पाइस विच आर यूज इन योर किचन फॉर कुकिंग, सो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी किचन में यूज़ की जाती हैं खाना बनाते समय, सो क्यूमिन सीड्स एंड टर्मरिक, तो जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, लाइक द चिली पाउडर वो भी एक स्पाइस है, ब्लैक पेपर पाउडर, सोल्ट, वो सब क्या हो गए एक तरह से स्पाइसेस हो गए आपके। इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विस, और कौन कौन सी जॉब हैं जिनमें जो है लोगों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, जैसे डिफेंस में पहनते हैं, आर्मी वाले पहनते हैं, पुलिस पहनती है, नेवी एयरफोर्स सब पहनते हैं, सो और कौन सी जॉब है जिनमें वो पहनते हैं ड्रेसेस को, सो एक डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, ट्रैफिक पुलिस हो गए, पायलट हो गए, सो वो सब क्या होते हैं, ड्रेस पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट इन द मैप, अब आपको जो है मैप में ये सब स्टेट जो हैं लोकेट करनी है। चुस्किट लिव्स हेयर, चुस्किट जो है कहाँ रहता था, लद्दाख में। नेक्स्ट है पीपल फाइंड बेटर ट्रीटमेंट इन मेट्रो सिटी इन महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर मिलती है आपको, मुंबई मेट्रो सिटी। नाउ नेक्स्ट है बसवाज फादर ग्रू ऑनियन क्रॉप्स हेयर, तो वो कहाँ पर क्रॉप्स जो है पैदा कर रहे थे, मतलब ग्रो कर रहे थे, डैट इज़ कर्नाटका। पिता इज अ स्वीट डिश मेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और कहाँ पर वो होती है, वो होता है असम में, और ये क्या है, एक स्वीट डिश होती है। सो अब हमने आंसर तो दे दिया हर एक क्वेश्चन का कि चुस्किट लद्दाख में रहता है, अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर शो करना है, सो लद्दाख कहाँ है आपका, ये है आपका लद्दाख। देन उसके बाद में आपको बताना है मुंबई, अब मुंबई कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र देखना है, महाराष्ट्र कहाँ है आपका, ये ठीक है, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के कॉर्नर पे क्योंकि समुंदर की तरफ है, बिल्कुल सी है उसके साइड में, तो वो हो जाएगा आपका मुंबई। देन नेक्स्ट क्या है, कर्नाटका, सो कर्नाटका आपका क्या है, जस्ट उसके नीचे, ये छोटा सा गोवा है और इसके नीचे ये क्या है आपका, कर्नाटका। लास्ट जो है आपको फाइंड आउट करना है कि असम, ठीक है, जो स्वीट डिश वहाँ बनती है, सो असम जो है आपका कहाँ पर है, सो असम कहाँ है, ये वाली जो आपको जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आपका असम है, ये वाला पोर्शन। सो इस तरह से हम जो इन सब चीज़ों को यहाँ पर मैप में डाल सकते हो, इस तरह का आपका पेपर आएगा।